भूतिया दशहरा कहानी। भैया कल तो दशहरा ग्राउंड में बहुत बड़ा रावण चलेगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बच्चों, पर तुम दोनों को रावण दहन बहुत दूर खड़े होकर देखना है, नहीं तो पटाखों की चिंगारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मम्मी आप टेंशन मत लो, हम दूर से ही देखेंगे। वेरी गुड बेटा। अगले दिन दशहरा ग्राउंड में दोनों चले जाते हैं और बहुत दूर एक ऊंची जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहीं से वो रावण को देखते हैं। तभी वहां रावण को जलता देखने एक भूत भी आ जाता है। भूत सोचता है, क्यों ना आज लोगों को थोड़ा परेशान किया जाए। वो भूत रावण के अंदर घुस जाता है और अचानक से लोगों के सामने रावण का पुतला हिलने लगता है। लोगों को लगता है कि ये रावण गिरने वाला है, लगता है रावण को ढंग से खड़ा नहीं किया। पर तभी रावण डांस करना शुरू कर देता है और लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। पर तभी वो लोगों को मारने लगता है और पूरे ग्राउंड में भगदड़ मच जाती है। तभी थंडर बॉय का दोस्त बोलता है, भाई अब इस रावण को तू ही रोक सकता है क्योंकि तू ही है हनुमान भक्त। तभी थंडर बॉय बड़ा होने लगता है और भूत जब ये देखता है तो वो डर जाता है और फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। पर थंडर बॉय को सब दिखता है कि इस रावण में भूत है। वो रावण को उठाता है और उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है और फिर थंडर बॉय रावण की नाभि में एक फायर पंच देता है और रावण के साथ साथ भूत का भी अंत हो जाता है।